हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएंगे, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाया, क्योंकि जितनी भी मखलूकात खुदा ने बनाई उस सारी मखलूकात से अफजल इंसान को बनाया, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। हालेलुया। फिर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, और जब ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि खुदा इंसान को इतना प्यार करता है कि अपनी मानित बनाए, अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया बागेदन में, और खुदा ने बागेदन से इंसान को गुनाह के सबब से निकाल दिया, और जब निकाल दिया गया इंसान तो बदी इतनी बढ़ गई, आप जानते कि नूह के ज़माने में, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। मेरी बहन, मेरे भाई, आज भी आप देखते हैं कि अपने लोग अपना तरीका बिगाड़ लेते हैं अपने रहने का, और नतीजा क्या हुआ, जब तरीका बिगाड़ लिया तो तूफ़ान नूह आया और कोई बशर नहीं बचा, सिर्फ 8 जाने जो कश्ती में थी और वो जानवर बचे। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, हमने आज भी अपना तरीका बिगाड़ लिया है। आप देख सकते कि हमने किस तरह तरीका बिगाड़ा है, और आज भी हमने अपने तरीके को बिगाड़ लिया है। खुदा ने हमें जानवर नहीं इंसान बनाया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर हरामकार खुदा के बादशाह के वारिस ना होंगे। इबलीस ने हमेशा जानवरों को इस्तेमाल किया, बागेदन में भी सांप को इस्तेमाल किया, फिर उन बुद्रुवों ने कहा यीशु को कि हमें जाने दो सूरों में, और देखे हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे जानवरों की सूरत बनाते हैं और अपनी ज़ुबानें बाहर निकालते हैं, और हमें इनकी मानित नहीं बनना, हमें जानवरों की मानित नहीं बनना। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें अपनी सूरत को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अपनी शबी पर इंसान को बनाया है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे गुनाह लेकर हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन हमें अपनी सूरत नहीं बिगाड़नी। इसलिए हम खुदा का कलाम पढ़ते नहीं, मोबाइल में लगे रहते, मोबाइल में रहेंगे तो ऐसे बन जाएंगे जानवरों की मानित। लेकिन अगर मेरी बहन, मेरे भाई, अगर बाइबल में आएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप बदल जाएंगे, क्योंकि जानवरों को देखें और खुदावन यीशु मसीह ने जानवरों के लिए जान नहीं दी हमारे लिए। आप इस चैट को अपने से डिलीट करें, ऐप्स को। यीशु ने इसलिए जान दी ताकि मैं और आप बच जाएं, यीशु ने इसलिए सारे दुख उठाए ताकि मेरी बहन, आप और मैं बच जाएं। यीशु मसीह इसलिए वो बेऐब बरा जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया, वो आपको बुलाता है, बेऐब बरा अपने हाथ फैलाए खड़ा है, आपको बुला रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपको ताज देना चाहता है, ज़िंदगी का हमेशा का ताज देना चाहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, वो अपने सीने से लगाना चाहता है आपको। आप लिपटे रहें, जुड़े रहें। खुदा ने आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। लाइक करें, शेयर करें, और खुदा ने आपको बरकत।